जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका अभी एक मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। अभी मैं यहाँ पे पानी लेने आया था, हस्बे तवक्को पानी तो खैर गुरमे पे मुझे आज भी नहीं मिला, लेकिन मैंने एक चीज देखी जिससे मेरा बहुत दिल खराब हुआ। हुआ ये कि इनकी अभी जैसे आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं डिलीवरी आई हुई थी, और गार्ड जो था वो बेचारा बार बार मैनेजर से इजाजत मांग रहा था कि सर मुझे आप सिर्फ 15 मिनट के लिए छुट्टी दीजिए, मैं खाना खा के आता हूँ। और मैनेजर उसे कह रहा था कि सॉरी मैं इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि सामने सप्लाई आई हुई है, बाहर ये सामान पड़ा हुआ है और सामान चोरी हो गया तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। अब गार्ड बेचारा जो है वो कह रहा था कि सर वो फिर बंद हो जाता है, वहां से खाना नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ की बात कर रहा था। तो मैनेजर उसे कहता है कि यार एक दिन आज अपनी जेब से खा लेना, रोजाना मुफ्त वाला नहीं मिलता तो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो गार्ड कहीं से फ्री में खाना खाता है, क्योंकि 15-15 हज़ार सैलरी होती है या 20 हज़ार 15-20 हज़ार में आजकल जितने महंगे बिल हैं, जितनी महंगाई है और जितनी महंगी चीजें हैं, गुजारा कहाँ कैसे होता है ये आप लोग भी अंदाजा कर सकते हैं। तो वो बेचारा कहता है सर नहीं मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे जाने दें। मैनेजर की भी मजबूरी थी और उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि सप्लाई आई हुई थी और चोरी का खदशा भी होता है। तो मुझे उसकी बात सुन के बहुत दुख हुआ कि ये बेचारा कितना मजबूर होगा जिसने सिर्फ वो एक फ्री खाने के लिए वो इतनी मिन्नतें कर रहा था, और वो बेचारा गार्ड आंखों में आंसू लिए बाहर जाके, मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा, वो बाहर जाके कुर्सी पे बैठ गया। खैर मैं उसे मिला और मैं एक दफा तो हम में से ऐसा कोई भी कर सकता है, मैम ने जो भी मुमकिन था उसके लिए कर दिया, लेकिन उसकी कितनी मजबूरियां होंगी, उस बेचारे के पीछे कितने लोग पल रहे होंगे, वो बेचारा कितना मजबूर होगा कि वो फ्री के खाने के लिए मिन्नतें कर रहा था कि सर प्लीज मुझे जाने दें, मैंने खाना खाना है। तो इन लोगों पे जब भी आप कहीं जाते हैं तो ये बुजुर्ग होते हैं या गार्ड होते हैं, इनको कुछ ना कुछ आप वैसे ही दे दिया करें, ये लोग बड़े मजबूर होते हैं और बड़ी मजबूरी में और मुश्किल में ये जॉब्स कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इन सब के हाल पे रहम फरमाए। मुझे उस गार्ड की मजबूरी और उसकी मिन्नतें देख के बहुत दुख हुआ है।